क्या असम के सीएम हो जाएंगे बर्खास्त? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद सियासत गर्मा गई, गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं। जहां कांग्रेस ने इसे घटिया सोच का सबूत करार दिया, वहीं हेमंत बिस्वा सरमा ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना कहा है। इतना ही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के लिए असम के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राव ने कहा, पीएम मोदी जी, क्या यह संस्कार है या हमारा हिंदू अनुष्ठान है जो एक सांसद से उसके पिता की पहचान के बारे में सवाल करता है? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ऊपर वाला जिन्हें तहजीब न दे उन्हें जीभ न दे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भाजपा की नारी विरोधी सोच का प्रतीक है, हर माँ का अपमान। इस पर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। कांग्रेस ने भी निशाना साधते हुए कहा कि आपने राहुल गांधी की आलोचना नहीं की, आपने एक औरत को गाली दी है। आपके जैसे कायर अंधभक्त के मुंह से शौर्य और साहस की प्रतीक हमारी भारतीय सेना का नाम अच्छा नहीं लगता। अपनी गंदी जुबान से मोदी वंदन ही कीजिए। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि असम के सीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि भाजपा नेताओं को समय समय पर दातुन या टहनी से मुंह धोना चाहिए। अब ये जानते हैं कि विवादित बयान के बाद हेमंत ने क्या कहा। हेमंत ने शनिवार को सफाई देते हुए कहा कि मैंने कहा था कि राहुल गांधी में जिन्ना का भूत प्रवेश कर गया है। मैंने उत्तराखंड में यह कहा कि राहुल गांधी की भाषा 1947 से पहले जैसी जिन्ना की थी वैसी ही है। एक तरह से राहुल गांधी आधुनिक जिन्ना है।